तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। राजा रंग बुरे भले बुरे जगत में सभी उसके मांगने मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोक मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे देवा, हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकट में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसमें है कि समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करें। नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर वैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपाय कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने का तैयार न हो तो नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाए और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता सहित अयोध्या को लौट जाए। हे दया सागर, किस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर तो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा आघात समुद्र हूँ कि क्रू प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। इस कृपालु, आप तो वही मत मुझे पाता है अब तो वही मत मुझे पाता है जिसके जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करके करेंगे और सब उपद्रव और उलझन से मिट जाएगा। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाया। अयोध्या निवासी असमंजस के कवश हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थिति तो मौन देखी सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उसका मुनियों का संवेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशलता का कारण हो गया। नहीं तो एनाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यह तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहायक हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यनाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुधबुद भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज में पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे जो
और उससे ये कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत के सद्भाव अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न चल पावे। गुप्तचर अवध को गए और वरद जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही वरद जी की चित्रकूट को चले हुए मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में वरद जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और वरद जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और साथियों को बुलाया। घर नगर और देश के रक्षकों रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दूधगढ़िया मुहूर्त धरकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया, आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। अब जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब एनाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिरनवाया। मुनिश्रेष्ठ जी जिन्हें कोई 6-7 बिलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल कहके मन ही मन पश्चाताप से गल जाती है। किसी से कहे और किसको दोष दे और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना होगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको ये स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों भाई जो हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी श्री रामचंद्र जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। ये देव इस सुख रूपी अमृत से सिंच कर सब किसी को जगत में जाने जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेम में वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम का लड़कपन से ही ये बाण है कि प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है, वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है। जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं वे मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी ही कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी ही उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्तों की थकावट और कलेश जरा भी नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले जा रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आके आए देखकर सब प्रेम में भर आए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के सतानंद आदि
जगह जनक पुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिले, मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए लिए जा रहे हैं। ये करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। सुख भरे वचन नद है और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांचे सांसे आहे ही वायु के जकड़ों से उठाने वाली तरंग है जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धार है। भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे रखे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी ही जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो ये समुद्र अकुला उठा खोल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान हुआ, न धीरज हो और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष मान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। ये सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदा जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना न रह सके। जहां तहां श्री श्रेष्ठ मुनियों के लोगों को परिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा कि राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उसके निकट भी आ सकती है। ये तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है, तथा राजा जनक की ये दशा श्री सीताराम के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस मतलब सरा बोर रहता है, साधु की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रजाजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनकपुरी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक और विदेह का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था,
वे सब धर्म नीति रो वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक वेद उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी ही कथा इतिहास कहकर सारी कथा सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि ही बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी को किरात लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्त्र देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुख को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाब और नदियों, वन और पृथ्वी के सभी मार्गों भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल के और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत अच्छा आनंद था। सब किसी को सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही हो। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देखकर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी के सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार चार दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री रामचंद्र जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन श्री राम जी के पर्वत कामद वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान फल मूल फंदों का भोजन 14 वर्ष सुख के 7 पल के पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनो को इस हर लेते हैं। उसी समय सीताजी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासिया कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे ये सुनकर श्री सीताजी की सब सासुए इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्व उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों के शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन खुरदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनयना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। यथार्थ जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति दहा रहा है। अमृत केवल सुनने में ही आता है और विश्व जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की भी सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है।
ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली ही विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विजय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, यह सब भी उसके अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करते हैं वह तो है सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीताजी की माता ने कहा, आपका वचन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमारूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में आ जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं, मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों भाई चारों बहुए गंगा जी के जल के समान पवित्र है। ये सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव भाव से कहती हूँ। भरत के सिल गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। सब सिप से कहीं समुद्र उलेचे जा सकते हैं। मैं तो भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर वह सब रानियाँ स्नेह के मारे विहल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, ये देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार से जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिए कि लक्ष्मण को घर रख दिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि ये राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली बात, इस खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की जड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धीरे के कहा कि ये देवी, दो घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली ही, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, देवी आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी के हैं।
आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपगत सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क मुनि ने पहले से कह रखा है। हे देवी, ही मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीताजी को साथ भेजा भेजने के लिए विनंती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीताजी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीताजी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीताजी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीताजी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का रूप ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डुबते डुबते मानो उस प्रेम रूप राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम के प्रेम की महिमा है। जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीताजी ऐसे विकल हो गए कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीताजी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीताजी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ या स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीताजी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीताजी ने कुछ कहती ही नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासू की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीताजी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगी। राजा और रानी ने बार बार मिलकर अपने हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीताजी को विदा किया। चतुर रानी ने समय जाकर राजा से सुंदर वाणी से भरत जी का दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा से सारे अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम प्रेम विहर होकर अपने प्रेमाश्रु के जल से भरे नेत्र को मुंद दिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित तो हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, ये सुनई नहीं, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है। यथार्थ इसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म राज नीति और ब्रह्म ज्ञान से प्रवेश रखने वाले मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती।
ब्रह्मा जी, गणेश जी, शिव जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत के पवित्र कीर्ति करनी धर्म संशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता हमें गंगा जी ही का तथा स्वादु गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या सबके बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। ये रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी जानते हैं किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु ये देवी भरत जी और श्री रामचंद्र का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति ही अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी के समस्त परमार्थ पर स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उसका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करके एक कहते सुंदर पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गए। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहाकर देवों की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरुवश जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, नाथ भरत अवधपुरी तथा माता सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलाधिपति राजा जनक जी को भी समाज से कवेश क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उसका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खूब कर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के आसाज दोनों राज सेवकों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें सुख घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान ज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब सुखी दुखी है और जो सुखी है वह दुखी से तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ भी है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, तब आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, राजन महाराज, अब वही कीजिए और सब जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गए। अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को परिमित सच्चा कर दिया, प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को
बेचकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक की धीरज धरकर जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर की हो लिया, सामने आकर उसका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, तात भरत सुनो, तुमको श्री रामचंद्र का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उसके उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितेशी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। ये स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यपि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ, यथात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि धर्म सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त तो सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं, उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्द में उसका सही समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी धरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां आए तथा देवरूपी कुमुद के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे।